म्यूज़िक किसको पसंद नहीं है, सबको म्यूज़िक पसंद है, और बहुत ही कम लोग होंगे जिसको शायद ही म्यूज़िक पसंद ना हो। और आजकल जो है, जब से टेक्नोलॉजी बढ़ा है, बहुत लोग यही चाहते हैं कि खुद का म्यूज़िक बनाए वो लोग और ख़ुद उसको एक्सप्रेस करें। म्यूज़िक का काम ही वही होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और उसमें से हम लोग प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं और प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें, और यही पढ़ाई हमें आगे तक लेके जाता है, और हमें प्रोड्यूसर्स या म्यूज़िक डायरेक्टर्स, ऐसे बहुत, साउंड इंजीनियर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे फील्ड में हमको लेके चलता है। नहीं तो हमारा पर्सनल लाइफ के लिए ही सही, अगर हम गायक हैं, हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, तो हम कैसे करें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पड़ जाती है कि यार, म्यूज़िकल बेसिक नॉलेज किसी को मालूम नहीं है, तो ऐसे लोग कैसे म्यूज़िक बनाएं। तो उसके लिए आज मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से शायद आप लोग को, जिनको म्यूज़िक के बारे में बेसिक नॉलेज भी ना हो, शायद वो थोड़ा बहुत हेल्प करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, अगर आपको म्यूज़िकल नॉलेज नहीं है तो ये शायद आपको हेल्प करेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलिए। तो मैंने अभी गूगल का विंडो खोला हुआ है और मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है autochords.com। अगर आपको कॉर्ड्स के बारे में नहीं मालूम, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में है और सब डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसको खेल के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशंस आप ले सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपना गाना भी बना सकते हो। इधर जो है ऑटो कॉर्ड्स के, इसमें आप देख सकते हो क्लीशे डिफरेंट स्टाइल का, और इधर गिटार इंस्ट्रूमेंट है, इधर देखिए क्लीशे डिफरेंट स्टाइल का है ऑल्टरनेटिव। तो हम लोग अभी फ़िलहाल एक मेमोरीज का ले लेते एक, और इंस्ट्रूमेंट फ़िलहाल ले लेते हम लोग पियानो। और की जो है, हर गाने का एक की होता है, मतलब रूट नोट, तो उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। मेरा फेवरेट की है ए, और उसमें है मेरा ए माइनर, तो ए मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, ए फ्लैट, नहीं तो ए शार्प नहीं ले रहा, ए ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद ए माइनर। अभी आप देख सकते हो, जब भी मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, इधर भी मेरा चेंजेस हो रहा है। तो ए माइनर के साथ कौन कौन से कीज चल रहा है, ये देखिए, आपको चार कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे मिला। तो अगर मैं ये खेलूँगा, इसमें मिला मेरे को ए माइनर, ये छोटा एम जो है माइनर बोलते हैं, उसमें कौन कौन से नोट्स है उसमें वो भी दिया हुआ है, देखिए ए सी ई। ये है डी माइनर, इसमें डी एफ ए तीनों एक साथ दबाने से डी माइनर होता है, ये वापस ए माइनर और ई माइनर। तो ज़रा ये खेल के देखते हैं। देखा आपने, सुना आपने, तो ये हो गया ए माइनर का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन। और ये जो है राइट साइड में आप देख सकते हो, ये पूरा कॉर्ड्स जो है इस की के अंदर है, मतलब ए के जो की के अंदर है, ये पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन है। और ये ए माइनर के लिए ऑल्टरनेटिव्स है कि आप जो यूज़ कर सकते हो, अगर ए माइनर है आपको डी माइनर नहीं चाहिए तो आप सी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप एफ़ यूज़ कर सकते हो, तो ये सब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स है। तो अभी हम लोग इसमें एक और ऑप्शन है जो है रैंडमाइज, तो ये करके देखते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है ए माइनर का की, तो आप बेसिकली, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप इसको रैंडमाइज कर सकते हो। तो रैंडमाइज में क्या है, वो अपने तरफ से एक फील देता है डिफरेंट, ये सब सेलेक्ट करके इसमें से ए मेजर हो गया या ए माइनर हो गया, ना तो सी मेजर हो गया, सी माइनर हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी अलग लेके। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज हम अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे FL स्टूडियो में या कोई भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में। तो अभी ये रैंडमाइज करते हैं। तो अभी हमें मिला जो फील एंड की जो है कैनन का, और ई माइनर का की मिला पियानो में। तो ई माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशंस, मेन प्रोग्रेशंस इधर दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिव इधर दिया हुआ है, और ये जो है पूरा कॉर्ड जेज में। तो ये ज़रा खेल के देखते हैं। अभी ये वापस रैंडमाइज करते हैं, दूसरा एक और चेक कर लेंगे हम लोग। ये हो गया बी में, बी में बहुत ही कम है, देखिए कीज दो की है, ये भी खेलते हैं। रैंडमाइज, ये हो गया अभी एफ माइनर, एक और बार रैंडमाइज करते, और ये हो गया जी माइनर।
रैंडमाइज, तो अभी हमें मिला सी माइनर, एफ मेजर, तो मैं सोच रहा हूँ एक एफ मेजर में एक ऐसे हम लोग अपना जो है एफ एल स्टूडियो में हम लोग एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बना ले, हमारे जो टेम्पो है वो सब देखे हम लोग ज़रा टेस्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यही वाला सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं ले लूँ। तो मैं एफ एल स्टूडियो ऑलरेडी मैंने इधर एक एफ एल कीज़ लेकर रखा हुआ है, मुझे बस पैटर्न बनाना है। तो पियानो रोल में गया मैं और वापस हम लोग लेते हैं हमारा जो ये है तो डी माइनर था। डी माइनर में आप देखिए डी एफ ए, तो हम जाते हैं डी माइनर में। तो इधर आके डी में पहले आप अपना ऑक्टेव सर्च कर लीजिए कहाँ से आपको करना है। तो मैं इधर से ले रहा हूँ डी एफ ए, तो ये हो गया मेरा। और मैंने टेम्पो जो है 115 में रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है बी फ्लैट है, तो इसमें क्या है बी फ्लैट मतलब ये हो गया आपका बी फ्लैट डी और एफ। तो बी फ्लैट डी और एफ चाहिए अभी हमें। तो बी फ्लैट मतलब अगर आप इधर जाएंगे अभी हमारा सेकंड कॉर्ड सेकंड बार पे हमारा नेक्स्ट कॉर्ड आएगा, तो ये बी है तो उसका पीछे वाला जो उससे पहले वाला नोट को हम लोग बी फ्लैट बोलते हैं, जो हो गया ए शार्प, ठीक है जी। ये ए शार्प भी हो सकता है, तो हम लोग बी फ्लैट जो है ए शार्प, ठीक है। और क्या था हमारे पास डी और एफ, तो वापस चलते हैं। तो हमको चाहिए डी और एफ। अभी मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने मेरा पहला का वीडियोस नहीं देखा, ये अभी कुछ ज़्यादा हाई जा रही है, तो ये जो डी और एफ को जो है हम लोग इन्वर्जन करेंगे, मतलब नीचे लेके आएंगे ताकि वो सेम रेंज में रहे। तो मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ, ये डी को इधर लेके आ गया और ये एफ को इधर लेके आ गया। ये देखिए अभी सेम ऑक्टेव में है, मतलब एक ही रेंज में है। अभी थर्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन देखते हैं हम लोग, जो थर्ड बार के लिए हमको चाहिए वो है एफ। तो यह है एफ मेजर विच इज़ एफ ए सी, तो चलते हैं हम लोग। तो एफ में डाल देते हैं और ए में और सी में, ये एक नोट के बाद है, मुश्किल नहीं। अगर आपको ये फील चाहिए आप इधर रख सकते हो, नहीं तो ये जो सी है आप नीचे इन्वर्जन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन देखते हैं हम लोग, ये है सी मतलब सी मेजर, तो ये है सी ई जी। तो चलते हैं हम लोग और इधर डालते हैं सी ई जी, तो एक सी हमारा इधर है और ई और जी। ये देखिए वापस ही ऊपर जा रहा है, तो हम लोग सेम रेंज में लेके आएंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग इन्वर्जन, तो इसको नीचे लेके आएंगे हम लोग और ये लेके आ गया हम लोग ई में और ये हम लोग लेके आएंगे हमारे जी में। तो अभी हम लोग को जो है इसमें से ये सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन हमको मिला और हम ज़रा खेल के देखते हैं। तो खेलते हैं, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में मैंने सुना हुआ है, तो हम लोग इसमें से बहुत ही अच्छा खासा म्यूजिक बना सकते हैं। और अगर आपको ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, जैसे आपका अंतरा हो गया या मुखड़ा हो गया, उसमें ऑल्टरनेटिव्स के लिए आप इसमें से कोई भी कॉर्ड्स लेके आप बना सकते हो। तो मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ अभी आपको, सिंपल से एक अरेंजमेंट बना के, ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा पैटर्न वन हो गया, तो हम लोग इसको लिख देते हैं जस्ट अभी आप लोग को दिखाने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ इंट्रो कॉर्ड्स, ठीक है। और मैं जस्ट एक छोटा सा कलर डाल देता हूँ और मैं इसको इधर और इधर, तो मतलब मेरा 8 बार तक ये चलता रहेगा। तो मैं इसको खेलता हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो इंट्रो हो गया, अभी मैं इधर एक मार्कर डाल देता हूँ जिसमें हमारा टाइम मार्कर एड वन, इसमें भी मैं इंट्रो लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले मेरा इंट्रो है ये। और मुझे चाहिए इधर से मेरा कोरस लाइन, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और टाइम मार्कर, आप इसके लिए आप अपना ऑल्ट टी दबा सकते हो, ये शॉर्टकट है,
तो ये हो गया मेरा कोरस, अभी मैं डाल रहा हूँ इधर, तो कोरस इधर आया। देखिए आप अब इसको इधर खींच के लेके आना हमें, तो ये कोने से आप ये देखिए ये एरो आएगा, उसको खींच के आप इधर लेके आइए। अब मैं ये कोरस को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने चाहता कि सेम कॉर्ड्स में ये चले, ठीक है। तो मैं यही सेम यूज़ करूँगा कॉर्ड्स, लेकिन थोड़ा ऑल्टरनेटिव वे में। तो हम लोग वापस चलते हैं हमारे जो autochords.com में, और इसमें ऑल्टरनेटिव देखिए ये है। तो अभी मेरे पास डी माइनर और बी फ्लैट मेजर, एफ मेजर और सी मेजर चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कोरस के लिए थोड़ा एक और, तो मैं ये ए माइनर का मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसमें तीन मेजर कॉर्ड्स आ रहा है, तो ए माइनर के लिए है ए सी ई, ठीक है। तो वापस चलते हैं, तो मैं सेकंड पैटर्न पे पैटर्न टू, और इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ और लिख देता हूँ मैं ये कोरस कॉर्ड्स। और इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ मैं, और मैं वापस इधर और FL कीज़ में राइट क्लिक करके पियानो रोल में क्या था हमारा, ये लिया था हमने ए माइनर है जो ए सी ई। तो मैं ये ऑक्टेव में थे हम लोग, तो ध्यान देना ये वाला ऑक्टेव में थे ए सी ई। और इस बार मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूं, तो आप देख सकते हो पहले हमने डी से शुरू किया था और इस बार हमने ए लिया, मतलब ये डी से थोड़ा ऊपर है ये नोट, तो फील थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि कोरस में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सिंगर जो है थोड़ा ऊपर गाए। तो ए माइनर, फिर उसके बाद हमारा था एफ ए सी एफ मेजर, तो एफ ये रहा ई एफ, एफ ये रहा और ए ये रहा और सी, ये मैंने इन्वर्जन किया वापस, नहीं तो ऊपर जाता हूँ, तो मैं यही ऑक्टेव में रख रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है सी ई जी, तो सी विजय सी मेजर सी ई और जी जो है मैं ऊपर ही देना चाहूँ, कि मैंने क्या बोला था आपको, थोड़ा मैं कोरस को थोड़ा हाई लेके जाना चाहता हूँ। और लास्ट वाला था हमारा जी बी फ्लैट डी, तो ये है हमारा एक्चुअली जी मेजर में जी बी डी आना चाहिए, इन्होंने जी बी फ्लैट डी क्यों डाल दिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश कर लेते हम लोग। तो एफ जी और बी फ्लैट बताया उन्होंने, तो बी फ्लैट आएगा आपका, ये है बी आपका, तो बी फ्लैट एक नोट नीचे और डी, मुझे ये थोड़ा गलत लग रहा है, बेसिकली जी मेजर जो है जी बी डी होना चाहिए लेकिन इधर जी ए शार्प डी दिया है उन्होंने, लेकिन सुन के देखते हैं अभी, ठीक है। तो पैटर्न मोड में जाते हैं मुझे लगा कुछ गलती है इसमें, तो ये जो है बेसिकली हमें चाहिए, वो आप सुन सकते हो तो सुन के ध्यान देना, तो उधर उन्होंने कुछ गलती किया हुआ है, ये एक्चुअली बी पे होना चाहिए, ठीक है। तो जी मेजर जो कॉर्ड है वो जी बी डी है, ठीक है, एक बार खेल के देखते हैं। ये अच्छा लगा मुझे, तो मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ये जो इन्होंने लिखा हुआ इधर, ये बी फ्लैट नहीं है, ये बी है, तो इधर कुछ गलती इनके तरफ से हुआ है, मैं इनको मेल करूँगा और मैं बताऊँगा इनको कि भाई ये थोड़ा गलत है, तो होपफुली बाकी सब सही होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो अभी इधर हम को मिला कोरस का कॉर्ड, मैं इसको इधर डाल देता हूँ, तो आपने देखा इधर ये कोरस कॉर्ड है, अब हम लोग इधर खेल के देखते हैं इसको और सॉन्ग मोड में, तो इसका फर्क जो है आपको पता चलेगा इंट्रो से जब कोरस में जाता हूँ क्या फर्क है। और वापस मैं सोच रहा हूँ ये इंट्रो कॉर्ड से इधर इसको डाल दूँ, ठीक है, तो मतलब एक कंटिन्यूएशन के लिए, तो देखते इससे इधर से सुन के देखते हैं कैसा लगता है।
और इधर जो है अभी मैं थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं इसको जो है इधर से उधर उल्टा पुल्टा करके देखना चाहता हूँ, नहीं तो मैं इधर से दूसरा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन ले लेता हूँ। तो हम लोग ले लेते एक, देखिए इधर हमने डी माइनर बी फ्लैट एफ और सी लिया है, तो इधर से हमने कौन सा नहीं लिया वो ले लेते हम लोग, ठीक है। ए माइनर भी है, एक ए माइनर कॉर्ड है तो वो एक ले लेते, और एक जी माइनर है। देखिए जी माइनर में है जी बी फ्लैट डी, इधर जी मेजर है ये, तो शायद इधर जी माइनर आना चाहिए था, तो लेकिन इन्होंने जो दिया है गलत है। इधर जी मेजर में भी जी बी फ्लैट दिया हुआ है, जी माइनर में भी जी बी फ्लैट दिया हुआ है, तो वो ज़रा ध्यान देना, ये सही है, ठीक है। तो अभी हमें इधर एक छोटा सा एक दूसरा एक ये देना है, मैं उसमें लिख देता हूँ वर्स टाइम मार्कर्स एड वन, और मैं लिख रहा हूँ वर्स, ठीक है। और ये वर्स को मैं जो है इधर लेके आता हूँ, और ये तो जो हमारा कॉर्ड्स है इधर, जो ये थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ मैं, तो ये देख सकते हो आप, ये जो था हमने ले लिया ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा हूँ इधर से एक ए माइनर का नोट ले लूँ और इधर कहीं पे डाल दूँ मैं, तो डी माइनर के बाद मैं ए माइनर डाल दूँगा, ठीक है। तो थर्ड वाला पैटर्न रीनेम वर्स कॉर्ड्स, वैसे इतना चेंजेस होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो एक्सेप्ट एंटर, और हम बनाते हैं वो उसका कॉर्ड्स पियानो रोल। तो पहला कॉर्ड था हमारा ये कंट्रोल ए कंट्रोल सी मैंने कर दिया, मेरे को थोड़ा ही चेंजेस करना है इसमें, तो वो कॉर्ड में कंट्रोल वी। तो ये पहला वाला जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ, जो है ए माइनर, तो ए सी ई, ठीक है। ये जो है हमारा था बी फ्लैट मेजर, तो इसको जो है मैं डी माइनर करना चाहता हूँ, नहीं तो इसको ऐसे रहने देते हैं हम लोग, और इसको अभी हम लोग इधर लगा देंगे। तो इधर से खेल के देखते हैं अभी, अब मुझे ये जो है कॉर्ड पसंद नहीं आ रहा बी फ्लैट वाला, तो मैं इसको निकाल देता हूँ और इधर मैं जो है डी माइनर कर देता हूँ। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, तो आप उसके हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। डी माइनर जो है मेरा डी एफ ए, अब खेल के देखते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ कोरस जो है थोड़ा और लंबा जाए, तो इसको जो है मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। और कोरस जो है मैं थोड़ा और डबल टाइम कर देता हूँ, और वो सीधे अब हम करेंगे कुछ नया इंस्ट्रूमेंट्स डाल के उसको देखते हैं। तो मैं नया इंस्ट्रूमेंट डाल देता हूँ, रिप्लेस फ्लेक्स, और फ्लेक्स में स्ट्रिंग्स में ले लेता हूँ मैं कुछ स्ट्रिंग्स लो, और इसको डाल दो नंबर टू में, और ये सेम चीज़ कॉपी कर दूंगा मैं, जो मेरा इंट्रो में तो मैं चाहता हूँ कि पियानो ही रहे, और कोरस वाला जो कॉर्ड्स है कंट्रोल ए कंट्रोल सी और मैं इधर पियानो रोल में कंट्रोल वी, उधर ही सेम पैटर्न में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो डाल दिया अभी मैंने, तो इसको थोड़ा जो है मैं कंट्रोल ए करके इसको थोड़ा नीचे लेके आना चाहता हूँ ऑक्टेव में, ए फोर के बदले ए थ्री में। अब इधर से खेलता हूँ मैं, और ये जो है अभी मेरा पियानो वाला जो था FL की, इसका जो पियानो वाला था, इसको मैं थोड़ा अभी स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ,
चॉप करके, मतलब ये रहा मेरा चॉप्स और मैं इसको ज़रा यही सेम चीज़ कंट्रोल ए और वापस शिफ्ट, और इसको अभी खेल के देखते हैं हम लोग। इधर से खेलते हम लोग, ये थोड़ा ऑफ टाइम जा रहा है, उसको मैं ठीक कर रहा हूं जरा। तो ये जो है बेसिकली कंट्रोल ऑल्ट जी, ये क्या आ गया यार, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको जो है हम लोग करेंगे ये और ये, तो ये जो है कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और हम इधर डालेंगे ये नंबर 3 पे पियानो रोल, कंट्रोल बी, ये नीचे वाला ई पे लेके आऊँगा मैं। और यार ये मैंने पहले ही करना था तो ये मैंने कर दिया, ये अभी इसको निकाल देता हूँ मैं। और ये कॉर्ड्स के स्टाइल में देता हूँ मैं, और इधर से खेल के देखते हैं अभी। ये था हमारा वायरलेस, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उधर, लेकिन हम लोग ठीक कर देंगे उसको। अभी इसमें जो है मैं थोड़ा ये जो था इसमें मैं एक लाव फिल्टर, मेरा फेवरेट ऑप्शंस है इसमें प्रीसेट्स में, मैं बेसिक 3 एक दे रहा हूँ, और इसमें जो है लाव फिल्टर, इसमें मेरा ऑप्शंस में मैं दे रहा हूँ बेसिक। और अब खेलते हैं अभी हम लोग इधर से, तो दोस्तों ये जो ऑटो कॉर्ड्स है, आप लोग अगर आपको कॉर्ड्स के बारे में नहीं मालूम, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, और आप अपना ही
खाहन इस्तेमाल करके आप ट्राई कर सकते हो कि ये सुनने में कैसा है, और उसके हिसाब से अगर आपको गाना है तो कौन सा कॉर्ड में आपका आवाज़ बैठा हुआ है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे करने से क्या होता है कि आप लोग नोट्स भी सीखेंगे, एक ये कॉर्ड में कौन सा नोट्स है, और आपको ये हेल्पफुल भी रहेगा। बस ये वाला थोड़ा ध्यान देना, मैं इसके बारे में एक्चुअली इनको अगर लिख पाऊँगा तो मैं लिखूँगा जहाँ पर भी इनका ऑप्शन है, तो मैं उनको बताऊंगा कि ये एक्चुअली गलत कॉर्ड है। तो जी मेजर जो कॉर्ड है जी बी डी में आता है, ठीक है दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को आज का जो है ट्यूटोरियल पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या और सीखने का है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बताया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलता हूँ मैं, धन्यवाद।